संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों वैसे तो मैं कक्षा में आपको यह पाठ पढ़ा चुकी लेकिन कुछ बच्चे कक्षा में उपस्थित नहीं थे जो लेट आए थे उनके लिए मैं यह पाठ दोबारा से पढ़ा रही हूँ तो बच्चों जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी रिवीजन हो जाएगी और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो बच्चों चलिए हम शुरू करते हैं पाठ एक सुभाषितानी पाठ का नाम क्या है सुभाषितानी सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों से मिलकर बना है सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन तो का अर्थ क्या बताया मैंने सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ है वचन तो इस तरह पाठ का नाम क्या हो गया हमारा मधुर वचन या सुंदर वचन प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपाल वधम इत्यादि जो ग्रंथ हैं हमारे इनसे यह पाठ ये श्लोक लिए गए हैं जो काफ़ी विचार परक हैं नीति परक हैं शिक्षा देने वाले हैं रोचक हैं किसी एक पुस्तक से संग्रहित नहीं है ये श्लोक अलग अलग पुस्तक से लिए गए हैं <coughs> तो चलिए हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं और पढ़कर अपने जीवन में इनको उतारने का सौ प्रतिशत प्रयास करेंगे ठीक है तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहला श्लोक गुणा गुणा, गुणा ते निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा सुस्वाद तोया प्रभवंती नद्य समुद्रम आसाद्य भवंती पेय चलिए देखते हैं गुणा गुण गुणज्ञेशु जो गुणों के जानकार होते हैं गुणज्ञेशु जो गुणों के जानकार होते हैं अर्थात गुणी व्यक्तियों में गुणा गुण भवंती होते हैं जो गुण हैं वो गुणी व्यक्तियों में ही गुण होते हैं ते वही गुण निर्गुणम प्राप्य निर्गुण जिसमें गुण नहीं है जिसमें गुण नहीं है वो कौन होते हैं निर्गुण या मूर्ख निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति में प्राप्य पहुँच कर भवंती दोष बन जाते हैं समझ आई आपको ये दो पंक्तियाँ दोबारा सुनिए जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण रहते हैं लेकिन जब वही गुण निर्गुण व्यक्तियों में चले जाते हैं तो वे गुण भी क्या बन जाते हैं दोष बन जाते हैं सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य नद्य नदियाँ, सुस्वादु तोया सुस्वादु स्वादिष्ट तोय जल नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य समुद्रम समुद्र में आसाध्य मिलकर या पहुँच कर भवंती हो जाती हैं अपेय न पीने योग्य अब देखिए नदियाँ जो हैं वो मीठा जल लेकर बहती हैं स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं लेकिन वही नदी का पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता उसी प्रकार से जो गुण हैं यदि वो मूर्ख व्यक्ति में चले जाए मूर्ख व्यक्तियों के पास पहुंच जाए तो वो गुण भी दोष बन जाते हैं समझ आया श्लोक आपको एक बार फिर पढ़ा दूं गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण रहते हैं लेकिन जब वही गुण निर्गुण व्यक्तियों में पहुंच जाते हैं तो वे गुण भी दोष बन जाते हैं नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं लेकिन वही जल समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहता समझ आ गया आपको पहला श्लोक तो चलिए अब हम करते हैं दूसरा श्लोक साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन तृणम न खादन नपी जीवमान तदभागेय परम पशु नाम देखो कितनी अच्छी बात कही है साहित्य संगीत कला इनसे विहीन रहित मनुष्य किस, किस से रहित मनुष्य जिसको साहित्य का ज्ञान नहीं है जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है और जिसके अंदर कोई कला नहीं है उनसे रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है कैसा पुछ विषाण ही न पूछ और सिंह से रहित यानी के साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य बिना पूछ और बिना सींग वाले पशु के समान होता है त्रिनम न खादन पी जीवमान वह पशु कौन सा पशु जो साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं रखता पशु कौन बता किसको बताया है उस मनुष्य को त्रीणम न खादन नपी जीवमान है वह त्रीणम त्रीणम का अर्थ होता है यहाँ घास ठीक है वैसे त्रीणम का अर्थ होता है तीन का लेकिन यहाँ हम इसका अर्थ लगाएंगे घास घास न खादन नपी खाते हुए भी जीवमान है जीवित रहता है वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है तद भाग धेयम परम तद वह पशु नाम पशुओं का परम बहुत बड़ा भागदेयम सौभाग्य है यह है तो पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कैसे है कि जो मनुष्य है बिना ज्ञान का वो घास नहीं खाता अगर मनुष्य भी घास खाने लग जाए तो पशुओं को तो लाले ही पड़ जाएंगे घास के तो एक बार फिर सुनिए साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य बिना पूँछ और बिना सींग वाले पशु के समान हैं वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है यह तो पशुओं का सौभाग्य है तीसरा श्लोक लुब्ध से नश्यति यश है पिशुनश्य मैत्री नष्ट क्रिय कु अर्थ से धर्म विद्याफलम व्यसन है कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिव से नराधिप से देखिए लुब्ध से लोभी व्यक्ति का यश है यश नश्यति नष्ट नस्य हो जाता है लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है पिशुन से पिशुन होता है चुगलखोर और पिशुन से चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है यानी कि जो चुगलियाँ करते हैं उनके कोई मित्र नहीं रहते नष्ट कुलम। अब जिसकी क्रियाएँ नष्ट हो गई हैं जिसने का, जो काम नहीं करता उसका कुल नष्ट हो जाता है परिवार नष्ट हो जाता है अर्थ परस्य धर्म और जो दूसरे के धन की इच्छा करता है जो केवल धन ही धन चाहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है विद्या फलम व्यसनी ने व्यसनी होता है बुरी आदत वाला बुरी लत वाला व्यसनी बुरी रत वाले व्यक्ति का विद्या फलम विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है यानी कि जिसकी गंदी आदतें हैं उनको विद्या नहीं आती कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है राज्यम प्रमत्त प्रमत सचिव से नराधिप से अब देखिए आलसी सचिव होता है मंत्री आलसी मंत्री के नराधिप होता है राजा और नराधिप से राजा का आलसी मंत्री के राजा का राज्यम राज्य नष्ट हो जाता है यानी कि राजा के सभी कार्यों की देख रेख कौन करता है मंत्री अगर मंत्री ही आलसी है तो उस राजा का राज्य नष्ट होना निश्चित है दोबारा सुनेंगे लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है कामना करने वाले का कुल नष्ट हो जाता है और धन की इच्छा रखने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है बुरी लत वाले व्यक्ति का रूपी फल नष्ट हो जाता है और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है तथा आलसी मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है समझ आ गया बेटे आपको तीन श्लोक मैंने आज पढ़ाए हैं इन तीनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद तीनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका अपने समय अनुसार चेक करवा लें ठीक है बेटे आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे बाकी हम कल करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद